हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तीन दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का रंगारंग आगाज, मनमोहन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर ने किया विधिवत रूप से शुभारंभ। कुंभलगढ़ उत्सव को सफल बनाने का आह्वान। कुंभलगढ़ महोत्सव मेवाड़ क्षेत्र की कला संस्कृति की एक नायाब पहचान है। जिला कलेक्टर कोसवाल। तीन दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का बुधवार को दुर्ग परिसर में रंगारंग आगाज हुआ। शुभारंभ अवसर पर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने महाराणा कुंभा की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तथा संभागीय आयुक्त ने ढोल की थाप बजाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि काफी लंबे समय कोरोना महामारी के कारण ऐसा आयोजन हो रहा है और आम जन घरों के बाहर निकले हैं, इसीलिए इस महोत्सव को सफल बनाएं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये महोत्सव मेवाड़ क्षेत्र की कला और संस्कृति की नायाब पहचान है, जिसमें यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, दर्शन, कला आदि की झलक दिखाई देती है। इस शुभारंभ के अवसर पर देश प्रदेश से आए प्रख्यात लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें सांस्कृतिक झलक को दिखाते हुए अन्य मनोरम प्रस्तुतियों ने उपस्थिति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तीनों दिन देश प्रदेश के ख्यातनाम कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी जाएगी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गत दिनों उदयपुर जिले में हुए उपचुनाव के व्यक्ति पर्यवेक्षक IRS अधिकारी मुकेश राठौड़ सहित कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़, पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना, कुंभलगढ़ प्रधान कमला दसाना, सहायक पर्यटन अधिकारी सुजीत जोशी, विकास अधिकारी भगवान होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में दर्शक एवं पर्यटक उपस्थित थे। जागरूक टीवी के राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।